दिल्ली दे विच कथित शराब घोटाले नूं लैके पंजाब दे विच हुण इत्थे रेड हुई है। इस ते सियासत भी जिहड़ी पकदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बयान तां पहलां वी जिहड़े घोटाले दे दित्ते जा रहे सन, पहलां वी इल्ज़ाम लगाए जा रहे सन, ते हुण इन्हां इल्ज़ामां नूं होर प्रोड़ता दे नाल जिहड़ा है बोलिया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी जिहड़ी है इस नूं लैके बयान दित्ता है, क्योंकि दिल्ली के कथित शराब घोटाले च जिवें पंजाब दे अधिकारियों के घरां च रेड हुई है, ईडी वल्लों रेड मारी गई है। इस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बयान दिता है, अते उन्होंने फिर पंजाब सरकार के उपर इल्ज़ाम लगाए ने। इल्ज़ाम लाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच 500 करोड़ के शराब घोटाले की साड़ी कही हुई गल सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि छेती ही पंजाब का एक्साइज मंत्री ते मनीष सिसोदिया सलाखा के पिछे होणगे। मैं वही गल कही थी कि सारा कुछ ही दिल्ली सरकार कर रही है। एक्साइज पॉलिसी दे असी थोनू पहले भी कहा सी कि केजरीवाल ते सिसोदिया ने बनाई है, थोड़े सामने हो गया, अज ईडी ने रेड मारी है। मैंने जल्दी ही आप भगवंत मान इन्हां दा एक्साइज मिनिस्टर पंजाब दे अफसर सिसोदिया सारे अंदर जाणगे, क्योंकि सब तो वड्डा 500 करोड़ रुपये का कबला इन्हां ने कीता। तो हुण गल करदे हां एक होर घोटाले की है, कथित टेंडर घोटाला जिहड़ा कि जिस मामले में भारत भूषण आशू पहला ही गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, पर उन्हां दा पीए जिहड़ा है वह हाले भी फरार चल रहा है। तो उस पीए दे घरे जिहड़ी है वह विजिलेंस जिहड़ी रेड मार रही है। इस घोटाले च आशू दे पीए मन्नू दे घर विजिलेंस दे वल्लों अज रेड मारी गई है। मनु मल्होत्रा दे मॉडल टाउन स्थित घर दे विच इह अज छापा मारिया गया। मनु दे दफ्तर विच भी जाके विजिलेंस ने छापा मारिया। लुधियाणे दीआं तस्वीरां जिथे मनु मल्होत्रा दे घर जाके रेड मारी गई, उस दफ्तर जाके भी छापा मारिया गया। छापेमारी दौरान विजिलेंस ते पंजाब पुलिस दे अधिकारी मौजूद रहे। पिछले कई दिनों तो मनु मल्होत्रा फरार चल रहा है, हालांकि कोई बयान जिहड़ा है नहीं दिता गया। यह कहा गया अफसरों वल्लों कि सीक्रेट कार्रवाई है, असीं इस ते तुहानू जिहड़ा है कोई बयान नहीं दे सकते। विजिलेंस ने मौके तो जमीनां नाल जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। मनु मल्होत्रा लगातार जिहड़ा है वो फरार चल रहा है। भारत भूषण आशू गिरफ़्तार हो चुके हैं इस मामले दे विच, ते हुण इत्थे रेड मारी जा रही है विजिलेंस वल्लों। विजिलेंस वल्लों ही भारत भूषण आशू नूं गिरफ़्तार किया गया। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਸਰ। ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। तो हुण एक राहत वाली खबर है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता नूं जिहड़ा धमकी देने वाला शख्स है उस नूं गिरफ़्तार कर लिया गया, एक शख्स नूं काबू किया गया। मानसा पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। राजस्थान तो यह गिरफ़्तारी हुई है, इंटरनेट के जरिए ईमेल के जरिए धमकी दी गई सी, शख्स नूं राजस्थान तो गिरफ़्तार किया गया। मानसा पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी दी है, राजस्थान के एक पिंड तो इस नूं काबू किया गया। यह भी खबर आ रही है कि सूत्रों मुताबिक लॉरेंस गैंग दे नाल ए मुलजम जिहड़ा है ये जुड़िया होया। बलकौर सिंह जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उन्होंने ईमेल जरिए यह धमकी दी गई सी, जानों मारन की गल जिहड़ी है वो कही गई सी। तो यह शख्स जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया काफ़ी घट उम्र का नौजवान जिहड़ा लग रहा, जिसने ईमेल जरिए धमकी भेजी सी सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं, ते मानसा पुलिस वल्लों अज बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस शख्स नूं भी जिहड़ा मीडिया सामने लिया गया। दिल्ली पुलिस के कोआर्डीनेशन के नाल मानसा पुलिस ने अते होर एजेंसियों की कोआर्डीनेशन के नाल आपां जिहड़ा इहदा मेन दोषी हैगा है जिहदा नाम महिपाल पुत्र उमा राम
वासी जोधपुर हैगा है उन्हू असी जड़ा दिल्ली तो राउंडअप किया हैगा है तो हुण उन्हू अरैसट भी किया गया हैगा है। इहदे तों असी दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मुढ़ली पड़ताल च यह गल सामने आई है कि यह जिहड़ा मुंडा है ये एक फेम का भुखा सीगा। इन्हें एक अपना इंस्टाग्राम से पेज बनाया सी जिहदा नाँ एजे बिश्नोई नाँ तो सीगा अते इहदी सोच सीगी कि जे इदां दा कुछ कम करूगा तो उहदे फॉलोअर्स जिहड़े है होर वधणगे ते उहनूं जिहड़ी फेम भी मिलेगी। इस तों इलावा ये चाहता सी कि जिहड़ी इहदी इंस्टाग्राम फॉलोइंग वधे बट फिर भी जिहड़े इहदे फोन रिकवर होए है उहदी जिहड़ी प्रॉपर जिहड़ी घोख की जा रही है उहदा टैक्नीकल एनालिसिस जिहड़ा कराया जाऊगा प्रॉपर इहदी फोरेंसिक एग्जामीनेशन कराई जाऊगी अते ये यकीनी बनाया जाऊगा कि इहने जे ये थ्रैट दित्ती हैगी है तो इहनूं सख्त तों सख्त जिहड़ी सज़ा जिला पुलिस दवाए। इत्थे एक ब्रेक ले रुकदे आ, ब्रेक तो बाद गल सरकारी मुलाजमान की करांगे जिन्हां नूं हजे तक उस एक चंगे सुनेहे की चंगे मैसेज की उड़ीक है जिस दे राही उन्हां दी तनखा क्रैडिट होण दा मैसेज आउंदा है। की कुछ इस दे मामले च अपडेट है, सरकार की कुछ कह रही है इस दे बारे भी दसांगे।